हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ एंड आप सबको आज एक नया वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक नया चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों, आप मेरे टेबल पे ये देख रहे हो, ये बेसिकली दोस्तों एक मॉडर्न चूल्हा है। मतलब हम लोग जो गाँव में मिट्टी का चूल्हा यूज करते हैं, आप कह सकते हो ये इसका एक अपग्रेडेड वर्सन है। तो खास करके अगर आप लोग गांव से हो तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो ये चूल्हा किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसको बनाया गया है, क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसका एडवांटेजेस क्या है, और दोस्तों इसका प्राइस कितना है, कहाँ से आप लोग खरीदोगे। और दोस्तों वीडियो के आखिर में आप लोगों को मैं इस चूल्हे से खाना पका के भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप गाँव से हो तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिख रही है आपको, ये जो चूल्हा है पूरा मेटल का बना हुआ है, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो। एंड इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक जैक दिया गया है, जिसकी मदद से हम लोग 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई को इस चूल्हे के अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस चूल्हे को चलने के लिए 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत होता है। आप यहाँ पे दोस्तों सोलर पैनल का भी यूज कर सकते हो, और दोस्तों अपना मोबाइल का जो चार्जर है उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। कोई भी बैटरी वगैरह है जो 5 वोल्ट पावर सप्लाई देता है उसको आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। और दोस्तों इसके साइड में आप लोग देख सकते हो एक स्विच दिया गया है, जिसका दो मोड है, एक है हाई और दूसरा है लो, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर मैं इसकी वजन की बात करूं दोस्तों, ये 2.6 केजी के आसपास है। और दोस्तों इसका जो साइज आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ के साथ, इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो। और दोस्तों इसके नीचे आप लोग देख सकते हो एक मेटल ब्लोअर दिया गया है, और इसके अंदर के साइड में ऊपर की तरफ कुछ होल्स वगैरह है और नीचे की तरफ भी कुछ होल्स है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं ये चूल्हा किस तरह से काम करता है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, इस चूल्हे के नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो ये एक मेटल का ब्लोअर दिया गया है। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली हवा तो इस चूल्हे के अंदर नहीं आता है, जैसे आप लोग देख सकते हो अंदर वाला साइड पूरा सील है, लेकिन दोस्तों इस चूल्हे के ऊपर के साइड में कुछ होल्स है और नीचे भी कुछ होल्स है, तो इसके जरिए हवा इस चूल्हे के अंदर आता है। तो दोस्तों इस चूल्हे की इस एरोडायनामिक डिज़ाइन की वजह से ये चूल्हा काफ़ी हद तक स्मोकलेस बन जाता है, और इसके अंदर हम लोग जो भी कुछ डालेंगे जो जल सकता है, जैसे लकड़ी हो गया, सूखा हुआ गोबर, कुछ भी जो जल सकता है जो इसके अंदर हम लोग डालेंगे वो पूरी तरह से जल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं हम लोग इस चूल्हे को क्यों इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसका एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले इसका जो एडवांटेज है, ये दोस्तों 90% स्मोकलेस है। मतलब हम लोग घर में जो मिट्टी का चूल्हा यूज करते हैं उससे 90% कम स्मोक ये प्रोड्यूस करता है। क्योंकि दोस्तों इसका जो एरोडायनामिक डिज़ाइन, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये जो ऊपर की तरफ जो होल्स दिया गया है ना, इसकी वजह से क्या होता है, स्मोक को 90% स्मोक को ये रिड्यूस कर देता है, और काफ़ी हद तक ये चूल्हा स्मोकलेस बन जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी सेहत के लिए भी ये अच्छा होता है, और साथ में खाना पकाने का जो प्रोसेस है उसको भी काफ़ी हद तक ये आसान बना देता है। नेक्स्ट जो इसका दोस्तों बेनिफिट है, आप इस चूल्हे को घर के अंदर बाहर कहीं पर भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो इसको पिकनिक स्पॉट में लेके इसमें खाना पका सकते हो, या फिर अगर आप कैंपेन करते हो तो भी आप वहाँ पे लेके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मिट्टी के चूल्हा में क्या होता है, हम लोग इसको घर के अंदर इसको यूज करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर मिट्टी के चूल्हे को हम लोग घर के बाहर इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बहुत हवा चलेगा तो चूल्हा सही से नहीं जलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस चूल्हे में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों, मिट्टी के चूल्हा में जो लकड़ी आप लोग इस्तेमाल करते हो उसका 40-60% लकड़ी से यहाँ पे दोस्तों खाना पक के रेडी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें वेस्टेज बहुत कम होता है, और दोस्तों आप इस छोटे चूल्हे से कम 2 आदमी से लेकर 25 आदमी का खाना आप लोग इसमें पका सकते हो। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है, यहाँ पे दोस्तों एक स्विच दिया गया है, जिसके जरिए आप लोग आग का जो स्पीड है ना उसको आप लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये जो स्विच ये क्या करता है, ब्लोअर की स्पीड को एडजस्ट करता है, और ब्लोअर की स्पीड के साथ साथ यहाँ पे आग को भी आप लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है दोस्तों, इसमें बहुत जल्दी आप लोग खाना पका सकते हो, एज़ कम्पेयर टू मिट्टी के चूल्हा में जितना टाइम लगता है उससे 50% कम टाइम में आप इसमें खाना को पका सकते हो। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इस चूल्हे से कैसे खाना को पकाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आप फिलहाल मैं इसमें आग लगा के आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं इस चूल्हा को लेके बाहर चला आया हूँ, और इसके साथ एक छोटे 5 वाट सोलर पैनल को मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोग सुन पा रहे हो बैकग्राउंड का नॉइज़ सुन के आपको पता चल रहा है, ये जो चूल्हा है अभी चल रहा है, मतलब इसके नीचे जो फैन है, मतलब जो ब्लोअर है वो सही से अभी घूम रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो नीला कलर का जो स्विच है, एक्चुअली दोस्तों इस ब्लोअर की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए, तो हाई करने से थोड़ा बढ़ जाएगा और लो करने से थोड़ा कम हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब भी आप इस चूल्हा को जलाएंगे, सबसे पहले
पावर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों छोटे छोटे लकड़ी या फिर सूखा हुआ गोबर कोयला जो भी आपके पास है आप इसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद दोस्तों आप केरोसिन या फिर जो डीजल वगैरह जो भी आपको आपके पास है थोड़ा दे के मैचिस से इसमें आग लगा दीजिए। और दोस्तों आग लगाने के बाद आप कुछ टाइम रुकिए, उसके बाद दोस्तों आप इसके साथ पावर को कनेक्ट कीजिए, वरना अगर आप लोग शुरुआत में पावर को कनेक्ट कर देंगे मतलब फैन को चला देंगे तो दोस्तों ये चूल्हा सही से नहीं जलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको लकड़ियों में आग लगाना है और दोस्तों कुछ टाइम रुक जाना है क्योंकि दोस्तों लकड़ियों को सही से आग पकड़ने दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग पावर को इस जो चूल्हा है इसके साथ कनेक्ट कीजिए, वरना दोस्तों आप अगर पहले से ही फैन को चला देंगे तो आग सही से नहीं जलेगा और लकड़ियों में आग सही से नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम रुक के आधा से एक दो मिनट रुक के आपको फैन को पावर के साथ कनेक्ट करना है। अब चलिए दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चूल्हे का प्राइस कितना है। देखिए दोस्तों प्राइस को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चूल्हे का जब पैकेट होता है ना, इस पैकेट में दोस्तों ये चूल्हा मिलता है और ये जो एडाप्टर आप देख रहे हो ये एडाप्टर आपको मिलता है। दोस्तों ये एडाप्टर आप लोग 220 घरेलू जो बिजली है उसके साथ कनेक्ट करके इस चूल्हे में आप लोग पावर दे सकते हो। और दोस्तों इसका प्राइस आपको 2500 से 3000 रुपये में चाहे आप लोग अमेजोन पर भी खरीद सकते हो या फिर इस कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके भी आप इस चूल्हे को ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों सारा बाइंग लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।